Hey guys, Assalamualaikum, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. और मैं पहुंच गया हूँ CST स्टेशन. क्यों? क्योंकि सबा आ रही है, उसके इन-लॉज आ रहे हैं उनको पिक करने. आज है सबा का रिसेप्शन. अभी शायद 2 या 3 दिन के लिए ही आ रही है सबा, फिर वो चली जाएगी. और इत्तेफाक से आज भी मेरा ऑफ हो गया है. अल्लाह भी चाहता है कि मैं जाकर सबा को पिक करूँ, उसके पास आऊँ एंड यहाँ से उसको लेके जाऊँ. तो बस अभी ट्रेन थोड़ा सा हाफ एन आवर डिले है. मैंने कुछ खा भी लिया है, समोसा भी. आज मैंने समोसा खा लिया और आज मैंने मिर्ची भी खा ली. कभी नहीं खाता, आज मैंने मिर्ची भी खाई, मन कर रहा था ऐसे ही. बस अभी हम वेट कर रहे हैं, ट्रेन आए एंड देन सबको एडजस्ट करके गाड़ियों में निकलेंगे यहाँ से रिसेप्शन के लिए. दीपिका जो है ऑलरेडी वो होटल सी प्रिंसेस पहुँच चुकी है, वहाँ पे वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करके रखेगी. सबके चेक इन की ऑलरेडी हो चुकी हैं जो भी छोटी मोटी हैं, एंड देन फिर हम करेंगे रिसेप्शन की तैयारी और फिर आएगा रिसेप्शन का व्लॉग. पहले सामान सारे कर लो. तमाम लोगों की गाड़ी ओपन की. बड़े बड़े सीधे बड़े 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 भाई है भाई. काउंट हाँ, सब ने अपना अपना काउंट करके रखा. चालू बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट थी और सारे लोगों के साथ आगे ज्यादा अच्छा लग रहा है. अभी अभी अपनी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन. तो ठंड का एहसास ही नहीं होता, थोड़ी बहुत रात में अगर हल्का सा गुलाबी ठंडे का फील हुआ, वो भी दिसंबर जनवरी में. अभी तो अपने यहाँ पे वहाँ तो कड़ाके की. अब्दुल भाई चाबी थी गाड़ी की, जल्दी आइए आइए आप आइए. अरे आ जाओ वो हम निकलते हैं बाद में, आप आइए. तो बेल्ट बेल्ट लगा लेना भाई, काफी अच्छा. अभी ला बड़ा सा चाबी अंदर बैठे, इसके ऊपर जाते निकल जाओ. तो पीछे बैठ जाएंगे तीन और आ जाओ. एक दो दिन में ऐसे आराम नहीं मिला ना भाई, वहाँ पे काम आराम है, मधा में आप लोगों को काम काम करके और एकदम ही आ गए. जैसे एक दिन भी रह लेते तो टेंशन हो रही है. हमें तो सही है, टेंशन क्या हो रही है इसको, लाइफ चेंज हो गई. दोस्तों के लिए टाइम नहीं. मतलब मैं अभिषेक अंकित दीपिका ये बात करते हैं, कुछ हो ना हो अगले 1.5 से 2 महीने में ना ये परफेक्ट ब्लॉगर बन जाएगा. अरे भाई बहुत हेल्प करता है. हाँ मैं बोल रहा हूँ बन जाएगा, जिस हिसाब से इसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है ना. हाँ. बोलने पे ये बन जाएगा पूरा. भाई बोलने के अलावा जहाँ हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ. नहीं बनाना है स्टेशन हाँ. में कहीं भी लो लाओ शूट कर दो शूट कर दो. अभी भी निकलते वक्त कर दो, नहीं भाई अभी मत करो, बहुत हेल्प करता है. आगे से आगे जहाँ मुझे लगेगा नहीं करना वहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा ना. शूट करने में आसानी होता ना बोलने से ज्यादा. फाइनली अभी हो गए हैं सब सेटल होटल में
और अभी हम जा रहे हैं वेन्यू पे, वेन्यू देखने। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी दिखाने जा रहे हैं, वैसे ऊपर से मैंने देखा है कि वहाँ कुछ चल रहा है, लेकिन अभी जाके देखते हैं। बहुत अच्छा, सब चल रहा है। आ जाओ, बहुत अच्छा। यहाँ के फंक्शन कैसे होते हैं? यहाँ पे क्या है, होटल जाऊँगा, पूल पूल है, पूल एरिया है। वो सब बल्ब्स हैं जो गोल्डन स्टैंड्स आपको दिखाई देंगे, जो झूमर जलेगा, ये पूरे बल्ब्स जलेंगे रात में, ये पूरी मिर्ची लाइट जलेंगी। मैं भी आई यहाँ पे एक फोटो। करो, अरे नहीं, ये हम ही सब गए दुबई 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 दुबई। बहुत कम बनाएगी। फाइनली थकते थकाते इरिटेट होते होते मैंने नहा लिया है और अभी बच चुके हैं यहाँ पे 7:30 का टाइमिंग है, बट लोग आज से पहले क्या ही आएंगे। फटाक से आधे घंटे में हम रेडी हो जाते हैं, फिर हम चलते हैं। और आज हम क्या करेंगे? छोटी बांधेंगे, पोनी करेंगे, पोनी बांधेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है फाइनली हो गया है प्रॉपर। थोड़ा बहुत हल्का सा फिटिंग का इशू है, बट आई थिंक इतना वो चल जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पर कुछ होगा नहीं, बट ठीक लगेगा मेरे ख्याल से। तो अभी हम फटाक से रेडी होते हैं। हम लोग अभी आए, बीच में दीपिका मैम मुबारक हो। थैंक यू। बाहर आएंगे वापस वहाँ पे? थैंक यू भाई, ना टूट जाए आराम से। एक मरा बोलो क्या यहाँ पे मैडम जी सर जी नाइस जोड़ी। नाइस जोड़ी क्या जी, शुक्रिया। बस चलो काम पे हटने हैं, ये तो नीचे आ जाओ। को आने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं। इकलौता एक कैसे एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट
ओकेजन बचता है रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट था, नर्वस भी बहुत, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा, तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गए। किया था वेल वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें। वेल सब और यू नो खालिद की एंट्री किस तरीके से होने वाली है, क्या सेम होने वाला है? एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी, इंशाल्लाह उसकी भी धूमधाम से होगी। थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए, कुछ चीज़ों को देखना एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मज़ा आता है। जो वो चाहती थी वो हो गया, तो अलग का शुक्र। दीपिका आपसे जानना चाहेंगे, यू नो आपने आपके स्टेटस हमने देखे, आपके ब्लॉग्स हमने देखे, आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सबा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी, यू नो जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइफ थी, यू नो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी सो फॉर मी इट वॉज दैट जर्नी, इट वॉज मैं उस दिन शो को भी बोली थी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग योर डॉटर मैरिड, यू नो द इमोशन इज हाफ ऑफ दैट ऑब्वियसली। एक माँ के दिल के इमोशंस क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की। क्या एडवाइस आपने बतौर भाई और भाभी आपने दी है सबक को, अगर आप दोनों की अगर मौत करें? देखो मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है, एक घर के लिए एक नई लड़की, यू नो, तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है दोनों को, आपस में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को मैंने सलाह दी थी और सबक को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी रहो। वेल ये पूरे दिन की मेहनत, इतने दिनों की जो मेहनत है, आपके हिसाब से कितनी सफल रही है? और अब आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते, मैंने शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, यू नो, तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे, चाहे वो मैं माय बॉयज हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज मोर देन फैमिली टू अस, वो सब। और जब सभा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा? फॉर मी सभा को डिफिकल्ट, सभा को बुला करना वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सभा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ इमोशनल था, कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था कि पल के लिए यार वो क्यों मैं इसको बोलूँ, अरे चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, वो दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट। मैंने भी अपना व्लॉग डाला तो वेरी वेरी गुड, हाय, कम कम प्लीज गेट योरसेल्फ कम कम। थैंक यू सर, साथ में थोड़ा फोटो कर लेते हैं यहाँ पे, इसको फोटो नहीं करना।